अस्सलामुअलैकुम। तो आप लोग देख सकते हैं ये लकी वन मॉल, और यहाँ पर कितना मज़ा लगा हुआ था, इतनी बड़ी स्क्रीन लगाई, और हम भी मैच ही देखने आए थे। माशाल्लाह से मैच काफ़ी अच्छा चला, लेकिन अब पता चला कि मैच हो चुका है ड्रॉ बारिश की वजह से, तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। तो यहाँ पर हम आए, इतनी ज़्यादा रश थी और काफ़ी ज़्यादा लोग बाहर निकल रहे थे, तो बस फिर उसे देख के पता चला कि मैच का कुछ ना कुछ तो हो ही चुका है, क्योंकि पता चल गया कि यार मैच जो हो चुका है। तो फिर मेरे हस्बैंड तो आए थे लकी वन में मैच दिखाने के लिए, इतने जल्दी में आए थे जो कि कभी जल्दी में मेरी सुनते नहीं हैं। कहा चलो चलो मैच चलते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है, मैच ड्रो हो चुका है, लेकिन शॉपिंग अभी तक नहीं हुई है। तो फिर चलते हैं, कुछ शॉपिंग भी कर लेते हैं हम लोग। हाँ सुहाना मैच देख लिया, मैच ड्रो शॉपिंग भी, शॉपिंग का भी ड्रो नहीं होती है। चलो फिर। हाँ तो भाई हम लोग आ चुके हैं, तो हम लोग आ चुके हैं लकी वन से वापस। कोई फिर मैच तो नहीं हुआ, लेकिन चलो जो होता है अच्छा ही होता है। ये है कि पाकिस्तान टीम, जो कि मैं सुबह से कह रही थी अपने आप में कि यार अगर ये ना, जिस तरह सारी आवाम कह रही है कि पाकिस्तान और मैच जीतती है तो ठीक है चलो, लेकिन हारती है तो ठीक है, लेकिन इंडिया के साथ अगर हारी ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अगर तो यही बात हुई, कमेंट्स में भी लोग यही कह रहे थे कि अब ये सिर्फ अफगानिस्तान और नेपाल के साथ ही जीत सकती है, बाहर इंडिया के साथ नहीं जीत सकती। लेकिन मैच की शुरुआत ही इतनी ज़बरदस्त हुई, बहुत ही मज़ा आया। सबसे पहले तो शर्मा जी आउट हुए तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, लग नहीं रहा था कि ये लोग होंगे। तो दूसरी बात ये कि रोहित शर्मा, जो इनकी कहते हैं कि इनकी रीढ़ की हड्डी है, मेरे हस्बैंड कहते हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहती कि ये वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, मुझे बहुत पसंद है, वाह क्या इनकी फिटनेस है, क्या खेलता है, क्या ये वो कहते हैं। तो आज मैंने कहा लो जी हो गया, तो आज सब यही कह रहे थे कि यार बस ये तीन बैट्समैन को आउट कर देंगे तो फिर मैच हमारे हाथ में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये तीन तो आउट हो गए, जो दो बात है ना उन्होंने बनाया, जिनके ऊपर पूरे इंडिया को भरम था वो नहीं बना पाए। लेकिन अगर खेल पूरा होता तो बहुत ही मज़ा आता, देखा जाता। और सबसे बड़ी बात तो ये कि पाकिस्तान ने बता दिया इनको, कुत्ते की तरह आउट किया इनको, साबित किया कि हमें यूं ही दुनिया के नंबर वन खतरनाक बॉलिंग नहीं कहा जाता। और वाकई ये तो नंबर वन ओडीआई टीम बनी थी, जो कि पाकिस्तान की आवाम है, जो कि सर फ्री है, मैं भी साथ में हूँ, जो कि कहती थी कि अगर नंबर वन टीम है तो साबित करके दिखाया, इंडिया को हारा तो माशाल्लाह से अच्छा खेला। इंडिया के जो मजबूत खिलाड़ी थे, बैट्समैन थे, जिन पर इंडिया को भरम था, उनको तो क्रिकेट देखने में लेकिन ज्यादा मजा तब आता जब लकी वन देख के देखा है। हाल बहुत ही जल्दी में घर से देख सकते हैं आप लोग, गैस है नहीं, तो ये आप लोग देख सकते हैं गैस है नहीं, तो वही सिलेंडर यूज करना पड़ता, वरना तो मैं से भी ज्यादा कर यूज ना कभी सिलेंडर में गैस जलवाती नहीं थी और यूज भी नहीं करती थी, लेकिन अब मजबूरी है भाई, क्या कर सकते हैं। तो अब ये एक अगला मैच होगा, एक बार मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने होंगे। अब ये नहीं पता कि सेमीफाइनल में होते हैं या कब होते हैं, फाइनल में होते हैं, लेकिन होंगे। बहरहाल मैं कहूँगी बारिश ने पूरा मैच खराब कर दिया, और ये सिर्फ अच्छी दुआ है कहूँगी कि बारिश ने पूरा मैच का मज़ा खिलचिला कर दिया। तो लेकिन यही कहूँगी कि जो लोग स्टेडियम नहीं जा सकते मैच देखने के लिए, तो वो लोग लकी वन में जाएँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। स्टेडियम से ज़्यादा प्यारा माहौल बना हुआ होता है, इतनी बड़ी एली भी लगी हुई होती है, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है जब अकेले बैठने की बजाय सबके साथ बैठ के मैच देखा है। खाना देर में लगा के तो स्टेडियम की बजाय बहुत मैच देखा जाए तो बहुत ही मज़ा आता है, मैच के साथ साथ शॉपिंग भी हो जाती है। तो आज खैर मैच तो पूरा हुआ नहीं, कितना क्या हुआ था ना, तो मैच तो आज पूरा हुआ नहीं, लेकिन ये बात है कि आज जो इंडिया के चैनल है ना, जो वो देखने में इंडिया के जो चैनल है ना वो देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। तो अभी आप भी वो देखें और इन्जॉय करें कि इंडिया वाले कहते क्या हैं। माशाल्लाह से हमारी टीम की तारीफ ही कर रहे हैं कि नो डाउट इंडिया ने मान लिया, तो बस भाई बात खत्म हो गई। तो इंडिया वाले खेले ही नहीं पा रहे थे, इतना ज़्यादा डर गए थे ना कि
शुरू के बोल ये सारा ना इन्होंने डर की वजह से मात खाई, नो डाउट। मैंने कहती कि इंडिया की टीम बुरी है, इंडिया की टीम बड़ी अच्छी है, टफ टीम है ये, वरना 370 350 का टारगेट देती ही देती। लेकिन डर की वजह से इन्होंने किया। इतना इंसान को प्रेशर में नहीं रहना चाहिए किसी के। बहरहाल मैच बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो आज बारिश की वजह से पूरा मैच का मज़ा किरकिरा हो गया। तो किस किस को बुरा लग रहा है और किस किस को ऐसा लग रहा है कि नहीं यही होना चाहिए, तो अब करेंगे ब्लॉग का एंड, क्योंकि अब हमारे हो रहा है खाने का वक्त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।